करना है। मगर हो ये रहा है कि हमारा जो क्रिकेट की पाई जो है फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5% है कंपेयर टू आर नेबरिंग कंट्रीज, यहां पे बहुत मैसिव इंटरेस्ट है। और आप देख लें कि उसी इंटरेस्ट की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से टीमें उनकी आगे निकल रही है। क्योंकि मुझे ये भी रियलाइज हुआ न्यूजीलैंड के पुल आउट होने से और इंग्लैंड के पुल आउट होने से कि दो वजह से ऐसी कंट्रीज जो हैं वो दोबारा से ऐसा स्टेप नहीं ले सकती हैं शायद। एक तो आपकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी तो कोई आपको ऐसे यूज करके और रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक के चला जाएगा, और दूसरा अगर आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उनके इंटरेस्ट रहेंगे। सो वो हम पीएसएल के थ्रू कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट इंडिविजुअल लेवल पे बना रहे, बट कलेक्टिवली आई थिंक उस इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे पास पैसे हों, हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम हो, यू नो, और हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स बहुत बेहतर हों। क्योंकि हमने तीन बिड्स के ऊपर जो है आईसीसी ने अपनी एप्लीकेशन डाली है। सो मैं देख रहा था कि बहुत काम होने वाला है स्टेडियम्स के ऊपर भी। इस लिहाज से भी मेरा कराची का टूर था ये, ताकि आपको आपके साथ आपकी मैं बात सुन सकूं कि किस तरह से आप आगे आएंगे आना चाहते हैं, क्या क्या ब्लॉक्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से नई हमारी बिजनेस कम्युनिटी आती है और डायरेक्शन ले सकें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमें बता सकें कि किस तरह से एक स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऊपर जा सकती है कि मैच द लाइक्स ऑफ दी एस्टैब्लिश वंस। सो हमारी क्रिकेट की इकोनॉमी में मैं आप चाहता हूं कि आप इंजेक्शन उसमें भरें, और उसके लिए जो भी आप स्टेप्स हमसे मांगेंगे हम देंगे इंशाल्लाह, और जो आप कर सकेंगे आई एम श्योर के उसके ऊपर भी एक अगर कलेक्टिव एफर्ट होगा तो हर चीज पॉसिबल है। तो ये था जी बड़ी चीजें जो थी करने की। बाकी जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है वो तो है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह से एक बेहतरीन टीम निकालें। उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है इसलिए कि ये जो चेहरा होता है आपको क्रिकेट टीम का ये डिपेंडेंट है ऑन द ग्रास रूट वर्क जो कि होता है। तो वहां पे काम उस हिसाब से नहीं हुआ जैसे हिसाब से होना है। सो हमारी स्कूल क्रिकेट अब रिवाइव हो रही है, उसमें आपके इंटरेस्ट की जरूरत है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाइनेंशियल हाउसेस हैं। क्लब क्रिकेट हमारी बहुत पीछे रह गई है, ग्राउंड्स नहीं है, पिचेस जो है ड्रॉप इन पिचेस की शायद हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिच जो है वो बेस बनती है आपकी क्रिकेट की सक्सेस का, आपकी टेक्निक डेवलप होती है। सो ये मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट जब तक मैं चेयरमैन हूं मेरी कोशिश यही है कि क्रिकेट के ऊपर बात करें, क्योंकि अगर टीम हमारी अच्छी करेगी तो हम सब जो है ऊपर जाएंगे और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली आएंगी। कोई भी जो है वो ब्रांड देख के इन्वेस्टमेंट करता है, और हमारा जो क्रिकेट का जो ब्रांड है उसको इंप्रूव होना, हमारी टीम को और बेहतर करना, उनको भी रियलाइजेशन है। एंड आई एम श्योर आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी। शुरू में थोड़ी सी टर्बुलेंस होती है क्योंकि जब एक नई ऑर्गेनाइजेशन देखती है चीजों को तो वो एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग कि आपका क्या रोड मैप है, क्या गेम प्लान है। सो एक दफा हम पटरी पर डाल देंगे चीजों को तो फिर हम बेनिफिट्स जो है इसके रीप करेंगे आप और हम। सो बहुत मुझे खुशी हुई है, यू नो, ये मैंने ऐसी रंग बिरंगी स्क्रीन जो है तो देखी नहीं है, और पता नहीं ऊपर गई है स्टॉक मार्केट या नहीं, 50 पॉइंट्स ऊपर गई है शायद, या जस्ट अबाउट देयर। सो होपफुली ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी आज एटलीस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहां बुलाने का, इट्स अ स्पेशल ओकेजन फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू सच अ वंडरफुल प्लेस। एंड सो आगे चल के मैं और आपसे फिर स्टॉक एक्सचेंज की खुल के बात कर सकूंगा, ताकि थोड़ी सी मैं इसके ऊपर और अपनी स्टडी को स्ट्रांग करूंगा, सो आई बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर। बट थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू।